नमस्कार, मैं परीक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अलमाई थाना क्षेत्र में एक महिला को अवैध संबंध की झूठी अफवाह फैला, पति पत्नी के बीच विवाद करा, मौके का फायदा उठाते हुए घर के अंदर 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा, जबरन दुराचार करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत महिला ने अलमाई थाने में की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को बदनाम कर दुराचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलमाई थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पड़ोस में रहने वाला मकसूद अहमद मेरे पति को खुद के साथ अवैध संबंध का झूठा आरोप लगाकर पति पत्नी में विवाद करा दिया। इसी बात का फायदा उठाकर जबरन अपने घर के पास वाली बाड़ी में ले जाकर 5 दिनों तक बंधक बनाकर जबरन दुराचार करता रहा। इतना ही नहीं, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी दी तो जान से मारने की धमकी दे रहा था। किसी तरह पीड़िता मौके का फायदा उठाकर मकसूद के चंगुल से भाग निकली और अलमाई पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर अलमाई पुलिस ने मकसूद के खिलाफ 376(2)N 343 के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अलमाई क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला आया है, क्या मामला है, उसमें क्या कार्रवाई? थाना अलमाई में कल एक महिला ने हमारे थाने पर शिकायत करी अलमाई में कि एक आरोपी है मकसूद नाम का, उसने उसके साथ में पिछले कुछ दिनों से उसको बंधक बना के रखा था और अपने बाड़े में उसको छुपा के रखा था और उसके साथ में बलात्कार किया है। उसकी इस रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध हुआ थाना अलमाई में, धारा 376(2)/343-506 IPC का अपराध नंबर 416/20 कायम किया है। इसमें आरोपी मकसूद की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस ने कर ली है और उसको अभी हमने न्यायालय अभिरक्षा में भेजा है। इस मामले में विवेचना थाना अलमाई के द्वारा की जा रही है।